हेलो एवरीबॉडी मेरा नाम है विशाल आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिज़नेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स और उनके कुछ बढ़िया आर्टिकल्स सो अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस न्यूज़पेपर्स में फाइनेंशियल आर्टिकल्स को समझने में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे आज के सबसे पहले आर्टिकल की और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा है ये आर्टिकल काफ़ी ट्रेंडिंग है सब ने इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ ही लिया होगा यह है ग्लोबल वूज स्पूक मार्केट्स टाइटल क्या कह रहा है woos, मतलब परिशानिया, ग्लोबल वूज मतलब परेशानियां ग्लोबल परेशानियां जो चल रही हैं इस वक्त प्रॉब्लम उन्होंने स्पूक किया है है मार्केट 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 को तो देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डेटा फ्रॉम यूएस अभी इंडियन स्टॉक ठीक भले ही आप इन्वेस्टर हुए ना हो आपको ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए चाहे आप स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं ठीक है क्योंकि इवेंचुअली आपके कई इन्वेस्टमेंट इससे डायरेक्टली टाइड अप हैं ठीक है थेके? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आपको जानना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी हमें यहाँ करेक्शन देखने को मिली और इसका जो रीज़न है बताया जा रहा है ये ग्लोबल है क्या क्या है सबसे पहले हॉटर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डेटा मतलब हॉटर मतलब इन्फ्लेशन महंगाई दर हमने कम एक्सपेक्ट की थी वो ज़्यादा आ गई यूएस में तो उसकी वजह से क्या हुआ नेगेटिव सेंटिमेंट्स आए इंटरेस्ट रेट्स को लेके क्योंकि अगर ब्याज दर लोन के ब्याज दर कम होंगे तो स्टॉक मार्केट का फायदा होगा आपका भी फायदा होगा आपके ब्याज दर अगर कम हो गए तो पैसे बचेंगे है ना पैसे बचेंगे तो आप भी अपने पैसे सेव कर पाएंगे और दूसरी चीजों में इन्वेस्ट कर पाएंगे राइट याद है कोविड में जब इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम कर दिया गया था ऑलमोस्ट जीरो कर दिया गया था तो क्या हुआ था लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट बढ़ गया ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट इसलिए बढ़ गया क्योंकि अचानक से कोविड में रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए कंपनीज के या कुछ नहीं पैसा बहुत सारा आ गया क्योंकि पैसा बहुत सस्ता हो गया पैसे की पैसा सस्ता और महंगा होना क्या होता है मतलब पैसे सस्ता और महंगा है हम ये आंकते हैं इंटरेस्ट रेट से ब्याज दर से एक लाख रुपए अगर आज बारह परसेंट तेरह परसेंट मिल रहा है तो महंगा है छह परसेंट के रेट पर मिल रहा है तो पैसा बहुत सस्ता है तो आप दस परसेंट स्टॉक मार्केट से ही कमा लेंगे छह परसेंट पे लेके तो क्या होगा आप और ज्यादा लोन लेंगे और पैसे इन्वेस्ट भी करेंगे या फिर आपके लोन्स होम लोन्स और स्टूडेंट लोन चल रहे हैं और कार लोन चल रहा है अगर यहीं पे इंटरेस्ट तो आपका एक लाख रुपए बच गया तो एक लाख रुपए आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर देंगे तो ये रीजन होता है इसके अलावा फियर्स ऑफ एन इम्पेंडिंग ईरानियन अटैक ऑन इजराइल यहाँ पे क्या चल रहा है ईरान ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अटैक कर सकता है इसराइल पे ठीक है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स अक्रॉस इंडिया फाइनेंशियल ऑन फ्राइडे सारे क्या हो गए पैनिक हो गए तो दो चीजों की वजह से राइट तो यहाँ पे इक्विटीज मतलब स्टॉक मार्केट इक्विटी यहाँ पे हमें देखने को मिला कि प्राइस नीचे आया सेंसेक्स निफ्टी दोनों नीचे आए ऑफ डेप्रीसी रूपी भी कमजोर हो गया इससे ठीक है बॉन्ड ईल्ड्स बढ़ गए और गोल्ड के दाम और ज्यादा बढ़ गए तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं सबसे पहले दो चीजें हुई यूएस का ब्याज दर जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा आ गया और ईरान ने धमकी दे दी कि इराइज इसराइल पर अटैक करेगा इससे कितनी चीजों पे फर्क पड़ा है स्टॉक मार्केट नीचे आया रुपया और नीचे आया बॉन्ड ईल्स मतलब बॉन्ड ईल्स क्या होता है आप समझिए एफडी की तरह है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है फिक्स्ड अगर आप आ, कोई भी बॉन्ड खरीदते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या हुआ बढ़ गया और गोल्ड के दाम और बढ़ गया जब भी कोई अनसर्टेनिटी होती है दुनिया में पैनिक होते हैं लोग तो क्या करते हैं पैसा मार्केट से निकालते हैं हर जगह से निकालते हैं और गोल्ड खरीदने लगते हैं क्योंकि गोल्ड को माना जाता है एक सेफ हेवन सेफ एसेट

अगर वो मॉरिशियस के रूट से मॉरिशस में सेटअप करके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है पैसे लगा रहा है तो ऑफ कोर्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस ट्रीटी के बाद उस पर और ज़्यादा स्क्रूटनी होगी और ज़्यादा जांच की जाएगी उसके ट्रांजेक्शन्स की शायद या जो भी चीज़ें हैं तो इसकी वजह से भी थोड़ा आप देखेंगे कंसर्न्स दिखे लोगों के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने करीब आठ हजार करोड़ के शेयर्स भेज दिए ठीक है ये हाईएस्ट वन डे सेल ऑफ रहा है अठारह जनवरी से और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बाय किया छह हजार तीन सौ इकतालीस हजार करोड़ का करोड़ के स्टॉक्स सेंसेक्स यहाँ पे ऑलमोस्ट आठ नीचे क्लोज हुआ है निफ्टी यहाँ पे ढाई सौ नीचे क्लोज हुआ है ठीक है तो अगर आप पिछले सेशन की बात करें तो सारे यही दोनों इंडेक्स काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे और अपने हाइज पे थे पूरे लाइफ के हाइज ठीक है तो लेटेस्ट जो मैक्रो डेटा आया है यूएस के आप कह सकते हैं मार्केट से यहाँ पे क्या हुआ इन्वेस्टर्स ने रिवाइज किया अपने एक्सपेक्टेशन को सबकी एक्सपेक्टेशन थी वैसे अगर मैं सही बताऊं कि अब तक शायद पहला कट हो जाएगा कट मतलब ब्याज दरें जो है जिन पे हम लोन लेते हैं आरबीआई से रेपो रेट बोलती है इंडिया में सबको एक्सपेक्टेड था कि यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा बढ़िया आएगा और अभी तक रेट कट होना शुरू हो जाएगा जो हमें ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है तो अब लग रहा है कि इस साल में पहले सबको लग रहा था तीन या चार हो सकते हैं रेट कट हो जाए अब लग रहा है कि शायद दो ही होंगे ठीक है तो अगर आप टेन ईयर यूएस बॉन्ड इल देखें ठीक है ये नीचे आया और ये ट्रेड कर रहा था फोर पॉइंट फाइव परसेंट पे और ये क्लोज हुआ था, था थर्सडे को फोर पॉइंट फाइव एट परसेंट पर तो रुपी और इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये दोनों कमजोर हुए जो ईल्ड है बेंचमार्क टेन ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड पे ये बढ़ा सात बेसिस पॉइंट्स तो ये भी हाईएस्ट पे पहुंच चुका है सिंस जनवरी दो जनवरी चौबीस ठीक है तो ये समप करता है हमारे मार्केट को जो हमें इस बार देखने को मिला ठीक है जो भी हमने कल मार्केट में फ्राइडे को जो हमने गिरावट देखी जो भी इफेक्ट देखा उसमें ये सारी चीजें थी तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा क्या क्या था दो चीजें हुई एक तो इन्फ्लेशन डेटा यूएस में इतना अच्छा नहीं आया महंगा ज्यादा इन्फ्लेशन आ गई और ईरान ने धमकी दी इसराइल से कॉन्फ्लिक्ट की जिसके बाद हमारे गोल्ड महंगे हो गए गोल्ड महंगा क्यों हो गया क्योंकि सब लोग गोल्ड में पैसा लगाने लग गए गोल्ड सेफ है जो रिस्की है गोल्ड के अगेंस्ट क्या है स्टॉक मार्केट वो नीचे आने लग गया रुपी डिक्लाइन कर गया क्योंकि डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ गई डॉलर को हम एक स्ट्रॉन्ग करेंसी मानते हैं बॉन्ड ईल्ड बढ़ गए मतलब बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको इंटरेस्ट और ज्यादा मिलेगा क्यों क्योंकि ये भी एक सेफ एसेट है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंटरेस्ट रेट नहीं अगर बढ़ते हैं ठीक है इंटरेस्ट रेट अगर नहीं बढ़ते हैं ज्यादा ही रहते हैं तो ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स इक्विटी की जगह बॉन्ड से पैसा कमाना चाहेंगे तो यहाँ पे भी हमें ईल्ड बढ़ता हुआ नजर आया फ्राइडे को आते हैं अब अगले आर्टिकल पे ईरान हैज नो इजी एज इट सीक्स टू सीरिया अटैक अब हम यूजली जियो पोलिटिकल डिस्कस करते नहीं है लेकिन आज ये एक्सेप्शन है ठीक है क्योंकि आपने देखा कि अब इस इवेंट ने हमारे स्टॉक मार्केट को बड़ा परेशान कर दिया ठीक है थेक्या? और अभी भी लोग परेशान हैं और वीकेंड पे ठीक है चाहे इन्वेस्टमेंट उनकी दस हजार हो या दस करोड़ हो सब वेट कर रहे हैं कि क्या होता है ईरान क्या करता है और कई लोग कह रहे हैं कि ईरान ने वीकेंड का ही टाइम क्यों चूज किया भाई ठीक है वीकडे पे भी तो कर सकता था आज सारा पोर्टफोलियो वगैरह हम बेच देते तो हमें कोई टेंशन नहीं <clears throat> तो ईरान में भी क्लोज टू लॉन्चिंग अ असल और ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन इजरायली टारगेट्स इन रिस्पॉन्स टू डेली अटैक ऑन इट्स डिप्लोमेटिक कंपाउंड इन सीरिया लास्ट वीक लास्ट वीक इसराइल ने अटैक्स किए सीरिया में और इनमें से एक अटैक कहाँ हुआ ईरान के डिप्लोमेटिक कंपाउंड पे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस्लामिक रिपब्लिक इस्लामिक रिपब्लिक ईरान को बोला जा रहा है कि किस तरीके से रिएक्ट करता है ठीक है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है आयतुल्ला अली टाइम से है और ठीक है और काफी आप कह सकते हैं बिल्कुल एक्सट्रीम इनके आ, पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और काफी झड़प भी चली काफी सारे रिवोल्स भी हुए बट ये हर चीज को सक्सेसफुली सप्रेस कर पाए ठीक है तो इन्होंने कहा है कि इजराइल को पनिश किया जाएगा इस असॉल्ट के लिए ठीक है जहां पे कॉन्सुलेंट बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया गया जहां 13 लोग मरे भी तो रिस्क ये है कि अब यहां पे मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है ठीक है और ईरान हो सकता है और ज्यादा कंट्रीज के निशाने पर आ जाए ईरान की वैसे ही नहीं बनती यूएस के साथ आप जानते हैं तो यूएस और उनके अलाइज बिलीव करते हैं कि एक बड़ा रिवेंज अटैक इमिनेंट है या तो ईरान के द्वारा ऑन इट्स वेरियस इन द द रीजन अकॉर्डिंग टू पीपल विद इंटेलिजेंस तो यहाँ पे ईरान डायरेक्टली नहीं अटैक करता अगर आप देखें हिस्ट्री देखिए ईरान अटैक करता है अपने प्रॉक्सीज के जैसे कि हेजबुल्ला का नाम सुना होगा आपने राइट रेबल्स अभी जो हमारे रेड सी में परेशान कर रहे हैं सारे कंटेनर शिप्स को और भी ऐसे प्रॉक्सीज हैं इनके जिनके थ्रू ये आप कह सकते हैं टेरर फैलाता है और रिवेंज लेता है तो यहाँ पे अगर आप देखें कि जो रिसेंट हिस्ट्री है ये सजेस्ट करती है कि कोई भी असॉल्ट होगा इट विल बी मेजर अगेंस्ट था इनके जनरल को जनरल कासिम को ठीक है दो हजार बीस में तो ईरान ने नॉन लीथल अटैक्स किए मिलिट्री बेसिस पे तो इन पोस्ट टू एक्ट यूके फॉरन सेक्रेटरी डेविड कैमरन ने कहा कि इन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को से कॉल पे बात की और उन्होंने कहा कि यहाँ पे ईरान को कभी पूरे मिडल ईस्ट को बड़े कॉन्फ्लिक्ट में नहीं लाना चाहिए इन्होंने ये सजेशन दी उन्हें कॉल करके उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही डीपली कंसर्न हूँ कि यहाँ कुछ भी पोटेंशियल मिसकैल्कुलेशन हो सकता है जिसकी वजह से लड़ाई और बढ़ जाए तो ईरान को काम करना चाहिए इस लड़ाई को कम करने पर ना कि और ज़्यादा बढ़ाने पर इसराइल ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है डोमैस अटैक की ठीक है और अपना यूजल रिस्पॉन्स रखा है जहाँ पे ये कोई भी एडमिट नहीं किया इन्होंने कि ये जो अटैक्स हुए इनके थ्रू हुए हैं इनका हाथ था ठीक है और इनका जो मिलिट्री कैंपेन है गाजा में अगेंस्ट हमास ग्रुप बैक बाय ईरान कैटेगराइज एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ये सातवां महीना चल रहा है ठीक है तो इसराइल अभी हमास के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है जिसका सातवां महीना देख चल रहा है और हमास क्या है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसे रिकॉग्नाइज किया गया है बाई यूएस एंड यूरोपियन यूनियन तो यहाँ पे टेंशन जो है दूसरी कंट्रीज में वो ऑलरेडी अच्छे खासे हाइट पे है इस वक्त पे ठीक है और ईरान एक प्रिकेरियस पोजिशन में है मतलब एक डेंजरस पोजिशन में है ठीक है इसराइल यहाँ पे कॉल uh, कर रहा है इनके ब्लफ को फॉर सम टाइम कुवैत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का ये कहना है ठीक है और अगर यहाँ पे आप कह, इनका ये कहना है कि इट्स काइंड ऑफ डैम इफ इट डजन स्टेक फॉर ईरान इज द रिस्क ऑफ डाइवर्टिंग वर्ल्ड अवे फ्रॉम सेना है कि देखिए इस टाइम पे क्या है अगर ईरान ने अटैक कर दिया इसराइल पे तो पूरे लोगों का जो ध्यान है इसराइल पर जो है इस वक्त जहाँ इन्हें एक्सेशन बनाए जा रहे हैं ऐसे ऐसे की इसराइल ने पैंतीस हजार लोगों की जान गई है इनके अटैक में काफी बच्चों की डेथ हुई है बड़ों की डेथ हुई है सबकी सिविलियंस की डेथ हुई है तो इससे सारा जो अटेंशन है अब लोगों का आ जाएगा ईरान पे तो जो इनका स्ट्रगल है ठीक है ये जो इतना इन्होंने यू नो अवेयरनेस पूरे दुनिया में जाके फैलाया कि किस तरीके से ऐसे वॉर क्राइम्स हो रहे हैं इस सब पर पानी फिर जाएगा अगर ईरान ने अटैक कर दिया इसराइल पे क्योंकि पूरी दुनिया फिर इस पे फोकस करेगी कि आगे यहाँ क्या होता है और हमास और गाजा को सब कुछ दिनों के लिए भूल ही जाएंगे तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पे बिल्ड हो रही है और यहाँ पे यूनाइटेड ने वॉर्न किया है कि हजारों लोग इस वक्त ब्रिंक ऑफ पर है मतलब भुखमरी के ब्रिंक पर है यहाँ पे भुखमरी हो सकती है तो तेहरान का पोटेंशियल अटैक यहाँ के पे अगर आप देखें जो खाली एक स्पेकुलेशन हुई कि अटैक कर सकता है इसकी वजह से ऑयल मार्केट्स ये यह यहाँ वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल गई ठीक है तो इनका ये कहना है कि जो का अटैक होगा कि वो इसराइल में अटैक लॉन्च करें ठीक है जिसकी वजह से फुल ऑन वॉर हो सकता है और इसमें यूएस और दूसरे इसराइली अलाइज भी आ सकते हैं ठीक है तो बहुत ही सोच समझ के ईरान और उनके लीडर को यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे रिवेंज के क्योंकि ये इतना आसान नहीं होने वाला और कई लोगों को पता है कि इनकी हार यहाँ निश्चित है अगर ये इसराइल से इस तरीके से रिवेंज लेने की या स्ट्रेट ऑन वॉर में जाने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि इसराइल को कोई दिक्कत नहीं होगी हमास ठीक है और ईरान को एक साथ हैंडल करने में अफकोर्स कैजुअलिटीज ज्यादा होंगी बट स्टिल ये इसराइल कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है ये इसके थ्रू कर पाएगा और इसके एलाइज के थ्रू क्योंकि इसके एलाइज इतने स्ट्रांग हैं तो यहाँ पे व्हाइट हाउस का क्या कहना है व्हाइट हाउस ने भी कोई डिटेल्स नहीं दिए पॉसिबल टाइमिंग के ठीक है ठीके? और उन्होंने कहा कि यूएस जो उसकी कमिटमेंट है इसराइल को डिफेंड करने की इसे बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेता है तो देखिए पहले ही यूएस ने कह दिया कि हम तो इसराइल को डिफेंड करेंगे ही करेंगे चाहे कोई भी कंट्री इस पर अटैक कर दे So, यहाँ पे क्या होगा ईरान को पहले ही इन्होंने बता दिया कि आप इसराइल से वॉर पे नहीं जाओगे आप यूएस प्लस इसराइल से वॉर पे जाओगे जहां ईरान कब जीतने का जीरो पॉइंट वन परसेंट चांस भी बड़ा मुश्किल लगता है यहाँ ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद